नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टोर उपाध्याय। आज प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सबके मन में यही सवाल था कि पीएम मोदी आखिर क्या बोलने वाले हैं। कोरोना लॉकडाउन पीरियड में पीएम मोदी कई बार जनता को संबोधित कर चुके हैं। हर बार पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। इसी कड़ी में 31 मई यानी कि आज की मन की बात कार्यक्रम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि एक दिन पहले ही अनलॉक वन का ऐलान किया जा चुका है। सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक लागू होगा, जिसमें चरणबद्ध तरीके से देश को खोला जाएगा। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी ने भी कोरोना काल के अपने तीसरे मन की बात कार्यक्रम में कोरोना, तूफान, टिड्डियों का हमला, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य की चुनौतियों पर बात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 21 जून की योग दिवस की प्रतियोगिता को लेकर भी कई तरह की घोषणाएं करने के साथ ही इसके महत्व के बारे में भी अच्छे से बताया। उन्होंने कहा कि साथियों, कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने योग प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि आप इस प्रतियोगिता में भाग कैसे लेंगे, तो आपको बता दें कि इसमें भाग लेना बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग पर अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हैं उसे करते हुए दिखाने के साथ ही आपके जीवन में योग से क्या बदलाव आया उसके बारे में बताना होगा। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अगर आप भी इस योग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो अपना वीडियो जरूर अपलोड करें। देखते रहिए वीकी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।